टॉपिक है यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। यहाँ पर सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन के बारे में समझना होगा और उसके बाद फिर आईटी के बारे में समझेंगे। कम्युनिकेशन का आशय सूचनाओं का आदान प्रदान करने से है, यानी कि गिव एंड टेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यह सूचनाओं का आदान प्रदान कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच, मैन टू कंप्यूटर, या कंप्यूटर टू मैन, या मैन टू डिवाइस, या डिवाइस टू मैन, कैसा भी हो सकता है। मैटर यह नहीं है कि सेंडर या रिसीवर कौन है, मैटर यह है यहां पर कि सूचनाओं का आदान प्रदान जब भी कभी किया जाए, वो मैन टू मशीन हो या मशीन टू मैन हो, उस प्रोसेस को रेफर किया जाएगा कम्युनिकेशन के नाम से। तो कम्युनिकेशन का मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करने से है। सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया कम्युनिकेशन कहलाती है। समय के साथ साथ कम्युनिकेशन की प्रोसेस में तेजी आई है। बहुत टाइम पहले सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए लेटर्स भेजे जाते थे, लेकिन अब लेटर्स के साथ साथ लेटर्स का एक फास्टेस्ट मीडियम जिसे हम ईमेल के नाम से जानते हैं, वो कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे फास्टेस्ट स्रोत में से एक है। इसके अलावा टेलीफोन के थ्रू इन्फॉर्मेशन का गिव एंड टेक करना, मोबाइल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन का गिव एंड टेक करना, कंप्यूटर्स या इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन का गिव एंड टेक करना, ये सारी प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आती है। जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने रहकर बातचीत करते हैं तो इस प्रोसेस को भी कम्युनिकेशन कहा जाता है, लेकिन जब व्यक्ति दूर हो, डिस्टेंट हो, उनके बीच में दूरी अधिक हो, तब कम्युनिकेशन करने के लिए या सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कुछ डिवाइसेस की जरूरत होती है। उस परिस्थिति में कई डिवाइसेस हमारी हेल्प करती हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। ये सारी डिवाइसेस डिस्टेंट रहते हुए भी हमें अनुमति देती है कि हम आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। तो वह तकनीक जिसकी सहायता से इन डिवाइसेस को विकसित किया गया है, वह तकनीक कहलाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से ही ऐसी मशीनरीज को डेवलप किया जाता है जो हमें परमिट करती है सूचनाओं का आदान प्रदान करने में। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी थ्रू, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जिन प्रणालियों को विकसित किया जाता है, जो प्रणालियां इस प्रोसेस में हमारी हेल्प करती हैं, उन प्रणालियों को विकसित करने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, वो तकनीक कहलाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना तकनीक। दोनों टर्म को डिफाइन इस तरह से किया जा सकता है कि कम्युनिकेशन रिफर्स टू अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन अमंग टू और मोर डिवाइसेस। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम दो या दो से अधिक प्रणालियों के मध्य, डिवाइसेस या मशीनरीज के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी तकनीक है जो हमें उन डिवाइसेस को डेवलप करने में सहायता करती है जो कम्युनिकेशन में हमारी सहायता कर सकती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी विच हेल्प्स अस टू डेवलप सेवरल डिवाइसेस यूज्ड फॉर डूइंग कम्युनिकेशन। अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का आशय कम्युनिकेशन के अवयव से है। अवयव मतलब वो भाग जिनके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला पार्ट सेंडर, जो कि उस तत्व को कहा जाएगा, उस अवयव को कहा जाएगा जो सूचनाओं को प्रेषित करने या भेजने का कार्य करता है। ठीक उसके विपरीत सेकंड कंपोनेंट रिसीवर है जो सूचनाओं को रिसीव करेगा। यहां पर इन्हें अवयव इसलिए बोला गया है क्योंकि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया इन पार्ट्स के बिना हो नहीं सकती है। पहला सेंडर जो सूचनाओं को प्रेषित करेगा, दूसरा रिसीवर जो सूचनाओं को प्राप्त करेगा, और तीसरा वो मैसेज जो ट्रेवर्स करेगा इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में। इस मैसेज को
इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में ट्रेवर्स करने, ट्रेवर्स करने मतलब भेजने या प्रेषित करने या आने जाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो मीडियम कहलाता है। मीडियम जैसे कि अगर दो कंप्यूटर्स को हमने आपस में कनेक्ट करा है केबल के माध्यम से, तो सूचनाओं का आदान प्रदान केबल के माध्यम से होगा, तो उस परिस्थिति में केबल मीडियम का रोल प्ले करेगी यानी कि माध्यम का। कई बार सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए वायर के बजाय वायरलेस टेक्निक्स की हेल्प ली जाती है जैसे इंफ्रारेड, ब्लूटूथ वगैरह। उस परिस्थिति में ब्लूटूथ, इंफ्रारेड ये मीडियम कहलाते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए वायर ही कंपलसरी हो, वायरलेस माध्यमों के जरिए भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। अब सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए आप वायर यूज करें या वायरलेस तकनीक जैसे कि ब्लूटूथ या इंफ्रारेड यूज करें, वो जो भी माध्यम आप सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए यूज करेंगे वो माध्यम कहलाएगा मीडियम। पांचवा और लास्ट कंपोनेंट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कुछ रूल्स को कहा जाता है जो इंफॉर्मेशन का गिव एंड टेक करने में कंपलसरी माने जाते हैं। इन प्रोटोकॉल्स के बारे में आगे चल के बात की जाएगी। फिलहाल प्रोटोकॉल यूं समझ लीजिए कि जैसे आपने किसी को कॉल किया तो कॉल स्वाभाविक है उसी व्यक्ति के पास पहुंचेगा जिसे कॉल किया गया है, किसी और के पास नहीं पहुंचेगा। तो ये जो मैसेज गया उस व्यक्ति तक ये एक रूल के तहत गया कि ये जाना उसी व्यक्ति को है जिसे हमने कॉल किया है और किसी रेदर देन अलग व्यक्ति को जाएगा नहीं। तो ये कई सारे प्रोटोकॉल्स में से एक प्रोटोकॉल है। तो यूं समझ लीजिए प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ सम रूल्स, ऐसे नियमों का समूह जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते समय कंपल्सरीली फॉलो किए जाते हैं। तो ओवरऑल वो कंपोनेंट्स जिनके बिना सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो सकता, वो तत्व जिनके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स को कंपोनेंट्स कहा जाता है। सेंडर यानी कि वो एलिमेंट जो सूचनाओं को प्रेषित करेगा। यहां पर मैं सभी कंपोनेंट्स को एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देता हूं। सेंडर, वन हु सेंड्स इंफॉर्मेशन, यानी वह तत्व जो सूचनाओं को प्रेषित करने का कार्य करेगा, सिंपल। रिसीवर, वन हु रिसीव्स इंफॉर्मेशन, जो सूचनाओं को प्राप्त करने का कार्य करेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिसीवर। नाउ मैसेज, डेटा, वॉट एवर इज सेंड बाय द सेंडर, सेंडर जो भी सूचनाओं को भेजेगा वो मैसेज कहलाएगा। और सूचनाओं को भेजने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाएगा, जो भी मीडियम, जो भी चैनल सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए प्रयोग में की जाएगी वो मीडियम कहलाएगी। मीडियम यूजिंग विच डेटा इज गोइंग टू ट्रेवर्स, ट्रेवर्स का मतलब होता है यात्रा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ट्रेवल्स करना जैसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, वैसे सूचनाओं के आने जाने के लिए ट्रेवल के बजाय ट्रेवर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड वाइल डूइंग कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान करते समय कम्युनिकेशन जिन चैनल जिन नियमों का पालन करता है उन नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है।